मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी और नसरुल्लागंज के कोविड सेंटरों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इसी समय पूरे प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अपने विकराल रूप में नजर आ रही है। वहीं नसरुल्लागंज की बात की जाए तो यहाँ भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना के पेशेंट ज्यादा नजर आने लगे। मुख्यमंत्री ने बताया है कि नसरुल्लागंज में अलग अलग स्थानों पर कहीं पर 20, कहीं पर 40 तो कहीं पर 35 बेड के स्थायी कोविड सेंटर बनाए गए हैं। इसके बाद भी अगर कोई गंभीर पेशेंट होता है तो उनके उपचार के लिए भोपाल में अस्पताल की व्यवस्था कराई गई है। कोविड केयर सेंटर और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखने आया था। यहाँ भी व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। 35 बिस्तर अस्पताल में है हमारे, उनमें ऑक्सीजन पे अभी 11 लोग हैं और हमने ये व्यवस्था की है कि जरा भी जरूरत पड़े तो 2 एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है। तुरंत अगर कोई सीरियस पेशेंट है भोपाल रेफर करो, भोपाल में टीम रखी हुई है पूरी जो अस्पतालों में भर्ती करवाने का काम करती है और वहां जो भर्ती है मैं भी उनसे लगातार चर्चा करता हूँ। यहाँ पे 20 बिस्तर बेड यहाँ है, 20 का एक और बन रहा है अलग स्टाइल का, हवा में भर के जो खड़ा किया है 3 दिन में वो भी काम करना शुरू कर देगा। 40 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर और है। जितनी भी जरूरत हमारे कोविड के पेशेंट्स को वो पूरा करने के युद्ध स्तर के प्रयास यहाँ भी और पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं।